हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दूसरा तीमोथियुस 3 अध्याय के क्वेश्चन से लेकर 5 चैप्टर तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमर, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अंतिम दिनों में लोगों का रवैया ऐसा ही है। आज मसीही कहने को तो कह देते हैं कि मैं तैयार हूँ, मगर उनके दिल और दिमाग में झांक कर देखो, वही सारी गंदगी, वही सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है। तीमोथियुस 4 अध्याय के 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। जब अंत का समय आएगा तो ऐसा होगा कि लोग खरी बातें ना सह सकेंगे। जब किसी को स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया जाता है और पाप के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं, हमें ये सब मत बताओ, हमें अच्छा नहीं लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे चंगाई मिले और नौकरी मिले। इसलिए वचन कहता है, कोई सत्य को सुनना ना चाहेगा, अपने कान व्यर्थ बातों की ओर लगाएंगे। देखिए अगर किसी को पाप के बारे में बताया नहीं जाएगा तो वह पश्चाताप किसका करेगा, किस बात का करेगा, जब उसको पाप के बारे में पता ही नहीं होगा। मेरे पास किसी ने कमेंट किया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तीमोथियुस 4 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और संयम तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा दे, शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। देखिए, जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है वो तो मैं करूँगा, और बताना और समझाना और डांटना मेरा काम है, जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। 5 वचन में, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुषमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। देखिए, जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है भैया, वो तो मैं करता ही रहूँगा और करता चलाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा। आप लोगों को बताना और समझाना मेरा फर्ज बनता है। जीवन और मरण की बातें आपके सामने रखी हुई हैं, फैसला अब आपके हाथ में है, चुन लो जिसको चुनना है। चुनाव आपका है, फैसला भी आपका है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।